तेजस्विनी संयुक्त देयता समूह यशोगाथा। हम लोग पुनर्वित्त के कार्य के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स तथा कमर्शियल बैंकों को पैसा प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नाबार्ड का एक और महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए सभी कार्यकलापों से उसके अंतर्गत कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाए। और इसी कार्यक्रमों का एक भाग हमारा ये भी था कि ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता बचत समूह बनाए जाए। इसके पीछे की मंशा ये थी कि अगर ग्रामीण इलाकों में हमने जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को अगर हमने प्रगत कर दिया, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिया, तो उस पूरे फैमिली को हम मजबूत कर सकते हैं। और इसी इरादे से एक बड़े पैमाने पर ये एक SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड ने 1992 से शुरू किया था, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये एक बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम रहा है नाबार्ड का। और ये एक रूप से इसे माना जाता है कि दुनिया का दारिद्र निर्मूलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम करके इसको आज हम देखते हैं। नाबार्ड की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवा भावी विकास संस्था यवतमाल ने 5 उद्यमी महिलाओं का एक समूह तेजस्विनी संयुक्त देयता समूह बनाया। नाबार्ड ने किसानों के लिए संयुक्त देयता समूह कार्यक्रम की संकल्पना सामने लाई है। ये कार्यक्रम उन किसानों के लिए है जो खेती करते हैं लेकिन उनकी स्वयं की ज़मीन नहीं होती है, और स्वयं की ज़मीन नहीं होने के कारण वे बैंक से ऋण लेने के लिए अपात्र घोषित किए जाते हैं। इस संयुक्त देयता समूह कार्यक्रम में कम से कम 5 किसान या ज़्यादा से ज़्यादा 10 किसान एक साथ आकर अपना समूह बना सकते हैं, और ये सारे सदस्य मिलकर एक दूसरों की गारंटी देते हैं ताकि वो बैंक के ऋण के लिए पात्र हो सके। ऐसे समूह किसानों के हो सकते हैं या महिलाओं के हो सकते हैं, और कुछ ऐसे ही महिलाओं के संयुक्त देयता समूह नाबार्ड के कार्यक्रम में हमने नागपुर और महाराष्ट्र के इतर जिलों में बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए हमें विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त हुई। कहते हैं कि हाथों की 5 उंगलियां जब इकट्ठा होती है तो मुट्ठी बहुत ताकतवर होती है। इस इकट्ठा ताकत का उपयोग करके श्रीमती वैशाली केलकर, श्रीमती पूजा पालकर, श्रीमती लता सांभारे, श्रीमती चेतना धवले और श्रीमती अपर्णा कुलकर्णी, इन 5 महिलाओं को इकट्ठा करके 15 अक्टूबर 2018 को तेजस्विनी संयुक्त देयता समूह बनाया गया। तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवा भावी विकास संस्था पिछले कई सालों से नाबार्ड के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह बनाने का कार्य कर रही है। तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवा भावी विकास संस्था से जुड़ी ये महिलाएं घरेलू स्तर पर भोजन बनाने और संबंधित अन्य कलाओं में निपुण थी। तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवा भावी विकास संस्था ने इन महिलाओं का मार्गदर्शन किया एवं उन्हें प्रशिक्षा भी दी। तेजस्विनी संयुक्त देयता समूह को विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक की ओर से अर्थ सहायता प्राप्त हुई। विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक ने प्रति महिला 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया, जिससे उन्हें उद्यम शुरू करने में सहायता मिली। आम्ही 5 महिला एकत्रित आलो, त्यावेळेस आम्ही कॅन्टीन सुरू करायचा विचार केला। त्याकरता आम्हाला भांडवलाची आवश्यकता होती। आम्ही बँक मॅनेजर कडे प्रपोजल घेऊन गेलो, त्यांनी एका दिवसातच आमचा प्रपोजल मंजूर केला। सुरुवात में समूह की महिलाओं ने एक छोटा सा भोजनालय शुरू किया, जिसके जरिए उन्होंने विद्यार्थियों और कामकाजी व्यक्तियों को खाने का टिफिन देना शुरू किया। गुणवत्तापूर्ण और स्वादिष्ट खाने की वजह से महिलाओं का भोजनालय गांव में प्रसिद्ध हुआ। नागपुर के हिंगणा तहसील के राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के विद्यार्थी जब कॉलेज में ये टिफिन लेकर जाते थे, तब कॉलेज के कर्मचारियों ने इस स्वादिष्ट खाने का आस्वाद लिया।
कॉलेज की प्राचार्य महोदया को भी ये खाना बहुत ही पसंद आया। उन्होंने तेजस्विनी महिला समूह से कॉलेज का कैंटीन चलाने के बारे में पूछा तो महिलाओं को बहुत खुशी हुई। तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवाभावी विकास संस्था के मार्गदर्शन और सहयोग से वे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए राजी हो गई। And incidentally, it so happened that this Tejaswini Bachat Gat, which is of course comprising of all the female members, women are the members of this group. It is entirely run by the females. It's been almost a year now that my students are habitual to healthy food. They never complain. They do not even ask that when are we serving them Chinese, and they are really happy. इसी तरह तेजस्विनी संयुक्त देयता समूह की महिलाओं को कॉलेज कैंटीन चलाने का बढ़िया अवसर मिला। इस अवसर का फायदा उठाकर उन्होंने आज अपनी एक नई पहचान बनाई है। कुछ ही दिनों में इन महिलाओं ने कैंटीन को एक नया रूप दे दिया। कैंटीन परिसर को हमेशा साफ सुथरा रखना, नए नए व्यंजन बनाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, नियोजित तरीके से काम करना, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों से आदरपूर्वक व्यवहार करना और कैंटीन का माहौल आनंदपूर्वक रखना, ये नीति अपनाकर इन महिलाओं ने सबका दिल जीत लिया। जब हम यहाँ पे एंटर हुए ना, तब हमें पता चला कि यहाँ पे कितना टेस्टी फूड मिलता है। यहाँ पे जूसेस है, इतने अच्छे अच्छे चीजें है जिससे कि हम बहुत हेल्दी है। हम जब अलग कैंटीन में जाते थे तब इतना टेस्टी फूड हमने कभी नहीं देखा था और कभी खाया भी नहीं था। आज कैंटीन में हमारा बर्थडे सेलिब्रेटेड हुआ। ये कैंटीन में जैसे पूरे घरेलू तरीके के मतलब फूड्स मिलते हैं और ये कैंटीन मुझे बहुत पसंद आई। हम रोज रोज आते हैं यहाँ पे। आज इस कैंटीन में प्रतिदिन लगभग 500 विद्यार्थी और कर्मचारी खाना खाते हैं। प्रतिदिन ये महिला समूह सफलता की बुलंदियों को छू रहा है। तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवा भावी विकास संस्था के माध्यम से इस समूह की जानकारी नाबार्ड के महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय पुणे तक पहुंचाई जाती है। आज यह कैंटीन बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं या जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वहाँ से उनको अभी रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इसके वजह से उनकी अच्छी बिक्री हो रही है। उनका खुद का जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का भी इनकम बढ़ा है और उसके जरिए जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के जो भी मेम्बर्स हैं उनका अपना भी इनकम बढ़ा हुआ है। कैंटीन का उद्घाटन श्रीमती मैथिली कोवे, श्रीमती मनाली क्षीरसागर और श्री जुमनाड़ जी के शुभ हाथों किया गया। इस अवसर पर उन्होंने इन महिलाओं द्वारा किए जा रहे काम की बहुत सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस कैंटीन का कारोबार प्रतिमाह लगभग 1,00,000 रुपये है और इससे समूह के लिए प्रतिमाह 50,000 रुपये की आय होती है। आज इस कैंटीन का कार्य इतना बढ़ चुका है कि महक संयुक्त देयता समूह नामक एक और समूह की 5 और महिलाएं इस कार्य से जुड़ गई हैं। इस कार्य से महिलाओं का आर्थिक स्तर बढ़ा है। आज ये कैंटीन महिलाओं की कैंटीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। केवल नागपुर जिले की बात की जाए तो नाबार्ड की संयुक्त देयता समूह योजना में 6 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। नागपुर के 10 ब्लॉकों में अब तक विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिलाओं के 1400 संयुक्त देयता समूहों को विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण सहायता दी गई है। नाबार्ड के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षा भी दी जाती है और इस तरह लगभग 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वयंपूर्ण होने में सहायता मिली है। नाबार्ड के इस प्रयास से ये बात सिद्ध हुई है
की सही मार्गदर्शन और समय पर वित्तीय सहायता मिलने से महिलाएं भी एक सफल व्यवसायी के रूप में उभर कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।